हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस, वो ये कि मगध यूनिवर्सिटी MU इस बार पहली बार पार्ट वन और पार्ट टू दोनों की एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करा रही है। साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट नोटिस ये लेकर आ रहे हैं आपके साथ कि आखिर आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। और साथियों, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, अभी पार्ट टू में लेट है, लेकिन पार्ट वन का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो साथियों, अब हम लोग चलिए चलते हैं कि कैसे आखिर पार्ट वन का हम लोग एडमिट कार्ड चेकअप करेंगे। चलिए, सबसे पहले गूगल क्रोम में आप टच करेंगे और सबसे पहले उसके इनबॉक्स में टाइप करना होगा मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी मेरा पहले से सर्च किया हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग में भी ऊपर सेक्शन में आ गया। इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद जो खुलेगा पेज, उसके बाद आपको टच करना है ये मगध यूनिवर्सिटी .ac.in पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका मेन पोर्टल खुल जाएगा, मगध यूनिवर्सिटी का साइट खुल जाएगी। तो अब उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर उसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना होगा। सबसे लास्ट वाले सेक्शन में ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये एडमिट कार्ड सेक्शन का ओपन हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे कोर्स चुनना है, आप सबसे पहले कोर्स चुन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि BA पार्ट वन, यानी कि पार्ट वन जो ऑनर्स होगा, आर्ट्स का जो भी ऑनर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी, या फिर BSc पार्ट वन, आप देख पा रहे होंगे इस बार का जैसा मगध यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है BSc BCom BA पार्ट वन का और BSc BCom BA ये पार्ट टू का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। आप कोर्स में देखेंगे तो मात्र BA पार्ट वन का ही अभी तक के एडमिट कार्ड जारी हुआ है साथियों। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं, कहीं भी आपको पार्ट टू नहीं मिलेगा, BSc या BCom या BA कहीं भी पार्ट टू नहीं मिला हुआ है, अभी तक अपलोड नहीं हुए साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप BA पार्ट वन में हैं तो आप इसको टच करिएगा और अगर BCom पार्ट वन में है तो इसको टच कर लीजिएगा और BSc पार्ट वन में है तो इसको टच कर लीजिएगा। उसको टच करने के बाद, जैसे मान लीजिए हम BA पार्ट वन टच कर लिए, उसके बाद उसके नीचे कैंडिडेट नेम, अगर आप नेम से या फादर नेम से सर्च करना चाहते हैं तो फादर नेम पे, उसके बाद आप अपने कैंडिडेट नेम और फादर नेम दोनों को टच कर लेना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। साथियों, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही तक था, एक शॉर्ट वीडियो में आपको यही नोटिस देना था कि अभी तक के वीडियो में हम यही नोटिस दे रहे थे साथियों कि अभी तक के सिर्फ पार्ट वन का जारी हुआ है एडमिट कार्ड, पार्ट टू का नहीं आया है। खामोखा आप लोग परेशान नहीं होइए। दूसरा बात, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को ही रिलीज करवा दिए हैं, तो आप अफवाहों में ना पड़ें, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर पार्ट टू का आएगा तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम आपको नोटिस करेंगे। थैंक यू।